हमने अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स की वो किसकी की, यंग्स मॉडुलस। अब हम क्या प्रॉब्लम्स करेंगे, बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस रॉड्स और सॉलिड वायर के लिए लगती हैं, बल्क मॉडुलस लिक्विड के लिए लगता है। तो पहली प्रॉब्लम है कि बल्क मॉडुलस का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था माइनस में डेल्टा पी या पी, वैसे बता देता हूं ये पी नहीं होता, ये डेल्टा पी होता है, चेंज इन प्रेशर होता है कि आपने कितना प्रेशर चेंज किया, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का है। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? इस प्रॉब्लम में वो कह रहा है प्रेशर ऑफ द मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम 1.01 × 10^5 टू, इसमें मिसिंग है टर्म टू लिख लो, 1.165 × 10^5 करेक्शन कर लो तो वैल्यू मिसिंग है, तो प्रेशर चेंज हो गया इस इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर, तो आप इन दोनों को माइनस करके क्या निकाल सकते हो, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी बता दिया उसने। नेक्स्ट है वॉल्यूम इज चेंज इन वॉल्यूम इज 10%। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी बाई वी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 10%, यानी कि 0.1। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो क्या जाएगा, बल्क मॉडुलस। पर याद रखना जब आप बल्क मॉडुलस निकाले ना तो नेगेटिव साइन मत लेना, क्योंकि बल्क मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता, मैग्नीट्यूड में काम करना। क्लियर है? तो इसीलिए आपने नोट किया होगा यहां पर मैग्नीट्यूड में काम करके आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? तो पहला एग्जाम्पल क्लियर है बल्क मॉडुलस का, कैसे इसमें फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। बस 3 किलोमीटर होती है, पता नहीं मुझे, 3 किलोमीटर कह रहे हैं तो होगी, 3000 मीटर तक एवरेज डेप्थ है, एच गिवन है। कैलकुलेट फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी, तो आपको डेल्टा वी बाई वी निकालना है ऑफ द वॉटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन, गिवन दैट बल्क मॉडुलस ऑफ वॉटर गिवन है। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें बल्क मॉडुलस लगाओगे, के इज माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी, आपको ये निकालना है, आपको बल्क मॉडुलस गिवन है। अब चेंज इन प्रेशर की कहानी सुन लो, हमने वर्क पर एनर्जी में भी किया था और अगला चैप्टर ही प्रेशर का है, हम प्रेशर में डिस्कस भी करेंगे। जब भी आप किसी भी लिक्विड के एच डिस्टेंस नीचे चले जाते हो तो उसमें प्रेशर चेंज हो जाता है, पानी प्रेशर लगाता है आपके ऊपर, जिसका फॉर्मूला होता है एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये फॉर्मूला याद रखना है, एच रो जी, एक बार पहले भी वर्क पर एनर्जी में यूज किया था। तो जब भी आप एच डिस्टेंस नीचे जाओगे लिक्विड में तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाता है, एच रो जी। तो आपको ये वैल्यू क्या गिवन है, एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ठीक, ये गिवन है। अब हाइट आपको 3000 गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डिफॉल्ट SI के अंदर 1000 kg/m³ होती है और जी 9.8 है। तो इसका मतलब आपको प्रेशर पता है, इसका मतलब बल्क मॉडुलस पता है, और आप क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा वी बाय वी निकाल सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? डेल्टा वी बाय वी इन सभी वैल्यूज को पुट कर कैन बी कैलकुलेटेड। डेल्टा वी बाय वी अगर नेगेटिव लगाने तो लगा दो, क्योंकि नीचे जाने से वॉल्यूम हमेशा कम ही होता है, तो माइनस साइन यानी कि कंप्रेशन शो कर रहा है। नहीं भी लगाओगे तो आप लिख देना कि डेल्टा वी बाय वी मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट कर लो, जो भी परसेंटेज आएगा लिख देना कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, एक ही बात है। माइनस लगाने लगा लो, नहीं लगाना तो भी मत लगाओ, कोई बात नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कैसे करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लियर है? यही किया हुआ है इसमें, इसमें पता नहीं अजीब से तरीके से किया, ये मैं देख नहीं रहा, मैंने अपना किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें।
नॉर्मल डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आम पानी की डेंसिटी इतनी है, व्हाट विल बी द डेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर? एक बार डेंसिटी चेंज क्यों होगी? जब आप इस पानी के सैंपल को किसी सी या 3 किलोमीटर नीचे ले जाओगे तो बाकी का पानी इस पानी को कंप्रेस कर देगा, दबाएगा, तो वॉल्यूम कम करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, चाहे पानी ऊपर हो चाहे नीचे हो, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास कभी चेंज नहीं होता, कॉन्स्टेंट। तो नीचे जाके 3000 मीटर नीचे जाके वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब वो कह रहे हैं नई डेंसिटी क्या होगी ये बताओ, ठीक है यहाँ तक? तो आपको और क्या गिवन है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर गिवन है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो इसका रेसिप्रोकल लेके क्या जाएगा, बल्क मॉडुलस। तो अगर इसके यूनिट एटमोस्फेरिक पर एटमोस्फेरिक है, पर एटमोस्फेरिक का मतलब एटमोस्फेरिक रेज टू पावर -1, तो बल्क मॉडुलस का यूनिट्स क्या आएंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है यहां तक, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, आपको इसमें नई डेंसिटी निकालनी है क्या होगी, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका थोड़ा सा लंबा तरीका, दूसरा तरीका 30 सेकंड का तरीका, बहुत छोटा तरीका। मैं आपको एक लंबा तरीका बताता हूं, फिर उसके बाद मैं इसके एक डेरिवेशन करवाऊंगा जिससे कि ये एक फॉर्मूले में सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही बता देता हूं कि कैसे आप सोच सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक है, कर लोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी इट्स ओके, ऑप्शनल है, लिखना है लिख लो। ये सोल्यूशन मेरे को पसंद नहीं जो मैंने अभी दिखाया, इसको नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो जब आप h डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो मास की वैल्यू ऊपर और नीचे लिक्विड की विल रिमेन सेम। तो ऊपर मास कितना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, नीचे मास कितना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्योंकि जब आप h डिस्टेंस नीचे आएंगे किसी पानी का सैंपल लेके तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और उसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो v भी चेंज हो गया और रो भी चेंज हो गया, ठीक हो गया। तो इसे अगर इक्वेट करेंगे v इंटू रो इज इक्वल टू v डैश इंटू रो डैश, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक बराबर हो गया। मुझे क्या निकालना है, रो डैश निकालना है, तो रो डैश निकाल लेते हैं। रो डैश निकालने से पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी इंटू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, या डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी इंटू वी डिवाइडेड बाय के। क्लियर है यहां तक? अब इस केस में मुझे पता है कि आपको ये हाइट गिवन है, डेप्थ गिवन है लिक्विड की 3000 मीटर, तो आप h इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी लगा के डेल्टा पी निकाल सकते हैं। आपको कंप्रेसिबिलिटी गिवन है तो यहां से बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो आपको डेल्टा वी की वैल्यू पता लगेगी, जो भी वैल्यू आएगी मैं क्वेश्चन मार्क पुट कर रहा हूं, और वी आपको गिवन नहीं, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके आएगी इंटू वी, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू आप निकाल लेना और जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ वी आएगा, ठीक है यहां तक। अब डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी होता है वी डैश माइनस वी, तो वी डैश की वैल्यू क्या होगी, वी प्लस डेल्टा वी, तो वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस। अब एक बात बताओ, डेल्टा वी जो है उसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, ये मैं यहां पुट कर दूंगा, तो मेरे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इसमें मैं यहां पुट करूंगा तो ये टर्म आएगी वी डैश। तो यहां से काम करेंगे, इस वी डैश को यहां पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, v इंटू रो इज v माइनस ये लो इंटू रो डैश, तो v इंटू रो v कॉमन आ गया, 1 माइनस जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ऐसे, तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसल। आपको एक्चुअल डेंसिटी गिवन है, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, रो डैश। तो टेक्निक समझ में आ रही है, तो स्टार्ट आपने मास इक्वल करके करना है, फिर आपने बल्क मॉडुलस लगाना है, यहां से आपने डेल्टा v निकाल लेना है, डेल्टा वी वी की टर्म में निकलेगा, इस डेल्टा वी को आपने यहां पुट कर लेना है, इस वी डैश को आपने वापस यहां पे पुट कर लेना है, वी से वी कैंसिल होगा, रो डैश की वैल्यू आएगी। फिर इस मेथड को आपको करना है तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप एक वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही।
करा दिया तो करा दिया, ठीक। क्या करते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, इतना बड़ा कौन करेगा, और क्वेश्चन आ सकता है ये पेपर में, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, और कंपटीशन में भी आती है। तो बल्क मॉडल्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है, तो इसको करने का कोई और तरीका ढूंढते हैं। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना आपने, इसको करने के लिए एक टॉपिक करेंगे, अफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये टॉपिक के बाद ये प्रॉब्लम ईजी हो जाएगी, क्योंकि हम एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं।